हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज हम इस क्लास में करेंगे एक्सप्रेशन ट्री फॉर इनफिक्स एक्सप्रेशन, यानी कि इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन ट्रीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व हम करेंगे इस वीडियो में। इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बेसिक पहले ही बना चुका हूँ, अब इस टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को हम इस उसमें करेंगे, वीडियो में करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज उनका क्वेश्चन कहते हैं कि आपको एक गिवन एक्सप्रेशन दिए, क्या भी आपको एक एक्सप्रेशन दिए है, आपको इस एक्सप्रेशन का बनाना है, आपको बनाना है एक्सप्रेशन ट्री। ठीक है, इस एक्सप्रेशन आपको बनाना है एक्सप्रेशन ट्री, तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमने इसकी वीडियो में देखा था कैसे हमने कि हम एक्सप्रेशन ट्री बनाते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। अगर आपको वो समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां जाके देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझना है तो। सो सबसे पहले हमें पता है कि ऑपरेटर्स की हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले अगर देखें तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है, ठीक है। सो हमें पता है सबसे जो ज्यादा प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की, देन उसके बाद किसकी होती है प्लस एंड माइनस की। फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, देन होती है प्लस एंड माइनस। अब हमको इनकी एसोसिएटिविटी पता है, क्या पता है एसोसिएटिविटी, वो क्या होती है दोनों की लेफ्ट टू राइट होती है, क्या होती है लेफ्ट टू राइट, प्लस और माइनस की भी और मल्टीप्लाई डिवाइड की भी एसोसिएटिविटी क्या होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो अब हमारा काम क्या होता था, हम एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। सो जो हमें सबसे पहले जो छोटा ऑपरेटर मिलेगा, क्या मिलेगा छोटा ऑपरेटर, उसको हम क्या कर देंगे बेसिकली रूट नोड बना देंगे। अब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी इस होती है प्लस एंड माइनस की, उसमें प्लस माइनस दोनों में, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों तो मैं लेफ्ट टू राइट स्कैन करूंगा, लेफ्ट टू राइट स्कैन करा तो मुझे यहां मिला ये माइनस। एंड मुझे पता है सबसे छोटी प्रायोरिटी वाला हमें लेना पड़ता है, और जो सबसे एंड में आ रहा होता है, क्या होता है सबसे एंड में आ रहा होता है वो लेना पड़ता है, ठीक है हमें। सो माइनस हो गए इधर रूट नोड, ठीक है। अब माइनस के लेफ्ट वाली साइड जो भी हमारी वो टर्म है वो क्या जाएगी लेफ्ट में आएगी, एंड माइनस के राइट वाली क्या होगी राइट में आ जाएगी, ठीक है। सो माइनस के राइट में सिंपल ये है, सो राइट इसके राइट सब में क्या जाएगा ई जाएगा, बाकी ए प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी, ये कब जाएंगे कहां पे जाएगा सारे माइनस के लेफ्ट सब में जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो इस पे फोकस करो खाली, क्योंकि अब ये बच्चे लेफ्ट सब में ए प्लस बी डिवाइड सी इन टू डी, ठीक है। अब ऐसा कौन सा ऑपरेटर है इसमें से जिसकी सबसे छोटी प्रायोरिटी है, ऑब्वियसली किसकी सबसे छोटी प्रायोरिटी है प्लस की सबसे छोटी प्रायोरिटी है, ठीक है, क्योंकि प्लस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इनके केस में सबसे छोटी प्रायोरिटी इसकी प्लस की है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस को, इसको लिखेंगे प्लस को। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस के लेफ्ट वाले जो भी एक्सप्रेशन है वो सब जाएगी प्लस के लेफ्ट में, और प्लस के राइट वाली जो भी है यानी कि बी डिवाइड बाई सी इन टू डी जाएगा इसके राइट में, ठीक है। सो प्लस के लेफ्ट में क्या जाएगा बेसिकली ए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस के लेफ्ट में ए है, और प्लस के राइट में जाएगा बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, ठीक है। सो अभी मैं अज्यूम करता हूँ इसके राइट में जाएगा। अब मेरे पास अब प्लस के राइट में क्या बचा बी डिवाइड बाई सी इंटू डी बचा ना, ठीक है। तो अब इसमें चेक करेंगे जो सबसे छोटी प्रायोरिटी किसकी है, सबसे छोटी प्रायोरिटी किसकी है बेसिकली, देखो इसमें केस में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, क्या है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है सेम होती है, यानी कि दोनों की प्रायोरिटी सेम है। प्रॉब्लम क्या है कौन सी ले, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम प्रायोरिटी हो सो हमेशा किसको लेना आपको लास्ट वाले को, जो सबसे लास्ट मारा उसको क्या लेना होता है आपको रूट नोड सेलेक्ट करना पड़ता है। सो प्लस के लेफ्ट राइट सबट्री में रूट नोड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। सो मल्टीप्लाई के राइट में क्या डी, सो मल्टीप्लाई के राइट में क्या हो जाएगा डी, बाकी डी बी डिवाइड बाई सी, बी डिवाइड बाई सी वो कहां पे आएगा मल्टीप्लाई के लेफ्ट में आएगा, इसके आएगा मल्टीप्लाई के लेफ्ट में आएगा। अब बचा खाली बी डिवाइड बाई सी, क्या बचा बी डिवाइड बाई सी, एक ही ऑपरेटर है, क्या एक ही ऑपरेटर, एक ही ऑपरेटर तो ऑब्वियसली बात है ऑपरेटर क्या बन जाएगा यहाँ पे रूट नोड बन जाएगा, एंड ऑपरेटर यानी कि डिवाइड के लेफ्ट वाला बी इसके लेफ्ट में आ जाएगा एंड सी इसके राइट में आ जाएगा, एंड ये हमें मिल गया क्या एक्सप्रेशन की, गिवन एक्सप्रेशन की हमने एक्सप्रेशन की बना दिया। नाउ गाइस एक और क्वेश्चन जरा हम इसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द एक्सप्रेशन ट्री, आपको इस समय क्या दिया आपको एक्सप्रेशन ट्री दिया है, ठीक है, कह रहा है राइट द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर इट, हमें इसके लिए क्या निकालनी है इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन निकालनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसकी एक सिंपल ट्रिक है, क्या बेसिकली एक सिंपल ट्रिक, आप उस ट्रिक को फॉलो करो आप बड़े आराम से निकाल लोगे। जैसे हमें पता है इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, इन ऑर्डर का तरीका मैंने बताया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है और वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इन ऑर्डर भी अगर आपको अच्छे से सीखना है तो, ठीक है। अब इन ऑर्डर आपको कैसे निकालना पता है हमें कि हमें क्या करना पड़ता था, नोट्स को हमें फ्री फॉल करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था फ्री फॉल
करना पड़ता था। ठीक है, ये हम क्या करते, सारी नोट्स को हमने फ्री फॉल करा, हमने फ्री फॉल करा। अब आपको क्या करना था इन ऑर्डर में, स्टार्टिंग से एंड तक ऑर्डर वाइज आपको नोट्स को लिखना पड़ता था, है ना, वो होता था आपको इन ऑर्डर। सेम कंसेप्ट इसमें वो करना है, अगर आपको इसके लिए इनफिक्स एक्सप्रेशन निकालनी करने वाली है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, सो आपको बेसिकली इसका इन ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, जो मैंने फ्री फॉल करा है उसको ऑर्डर वाइज लिख दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले क्या आएगा, ए देन डिवाइड बी, ओके देन प्लस देन सी इंटू डी, राइट देन पावर, देन क्या आएगा, ई मॉड एफ देन डिवाइड, देन क्या आएगा, जी माइनस एच। सो गाइस ये तो थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन ट्री फॉर इनफिक्स एक्सप्रेशन। हमने भी कोई एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करा, अच्छे से समझा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।